मेरा नाम क्रिश है। मैंने एक लड़की से इतना ज्यादा प्यार किया कि आप सोच भी नहीं सकते। पहली बार जब मैंने उस लड़की को देखा, उसी वक्त मैंने उसे शादी करने का फैसला कर लिया। हमने एंगेजमेंट भी कर ली, लेकिन उसके बाद जिस लड़की को मैंने अपना हमसफर माना था, उससे ज्यादा मुझे दूसरी लड़की पसंद आने लगी थी और मैं उसे भी प्यार समझ बैठा। मगर प्यार सिर्फ एक से ही होता है, मतलब ऐसा लोगों का कहना है। मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। तभी मेरे मन में एक सवाल उठा कि भाई प्यार तो सिर्फ एक से ही होता है, लेकिन दोस्तों अय्याशी तो किसी के साथ भी चल जाती है। बस फिर क्या था, एक शॉर्ट फिल्म बनाने के बहाने से लोकेशन हंटिंग के लिए निकल पड़े बीवी और उस दूसरी के साथ, और दोनों राजी भी हो गई। कुछ भी नहीं पूछा, बिना कैमरे के ही हम लोकेशन देखने चले गए। फिर भी उनके मन में एक सवाल तक नहीं आया। ये होती है बिना ब्रेन की ब्यूटीज। जब हमने सफर की शुरुआत की तो सोचा था कि बहुत ही मजे करेंगे, पर इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि खुशी खुशी जो ट्रिप शुरू हुई थी उसका अंत इतना डरावना। जब भी देखो परेशान करती रहती है। ओह शिट, इट्स टू हॉट यार। टू हॉट, अब क्या करें? हाँ, वेट फॉर सम टाइम। समुंदर वाली बोट रोड पर चलती तो कितना अच्छा होता ना। हे लुक, लगेज। यही होता है जब दो लड़कियों को घुमाने लाओ तो सारा बोझ अकेले लड़के पर ही आता है। और ऊपर से उससे तो बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है, तो उसका बोझ तो मुझे ही उठाना है। अच्छा है अगर मैंने अभी से आदत डाल ली
तो आगे ज्यादा मुश्किल नहीं होगी और मेरी लाइफ थोड़ी सुकून से बीतेगी। ओहो, मिडनाइट एंट्री बहुत अच्छा है ना। ये क्या, मैंने आज तक इतनी सारी जगह देखी है, ये उन जगहों से बिल्कुल अलग है, बहुत डरावना भी है। कृष हमें यहाँ क्यों लेके आया है? Hey, what happened? Shit. अब चलो। बहुत ही खूबसूरत है ना ये बंगला। वाओ, What is this? Awesome. Krish? Short film के लिए? ऐसा बंगला? Hey, मेरे कैलिबर पर डाउट मत करो। मेरे पास जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके लिए ऐसा ही बंगला वर्कआउट होगा। पक्का होगा। वर्कआउट जरूर होगा। पता नहीं क्या वर्कआउट होगा। Hey. मुझे ये जगह पसंद नहीं आई, कहीं और चलते हैं ना। हे, ये घबरा रही है। सुनो ईशा, यू डोंट वरी, लाइटली लो, ओके, एंड आई टेक दैट रूम, बाय बाय। चलो
ओफो, क्या बदबू है। शी, बाप रे। हो जाती हूँ। ओके। फर्स्ट नाइट के लिए ऐसा ही बंगला हो तो कैसा रहेगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, मूड की पूरी बैंड बज गई है। अरे उसके लिए मैं हूँ ना। इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए एक लड़के को असिस्टेंट रख सकते थे। एक लड़की ही क्यों? मतलब पेपर पर अगर कोई पेंसिल लिखे तो इरेज नहीं कर सकता, वही पेंसिल से लिखो तो इरेज हो सकता है। इसे डायरेक्शन कहते हैं, तुम्हारी समझ के बाहर है। शक होने लगा है इससे। रेडी हूँ, मुझे जोरों की भूख लगी है। hey, ये कैसा ड्रेस है? What's wrong? ऐसे ड्रेसेस मुझे पसंद नहीं है, तुम जानती हो ना? वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। जरा टाइम देखो, अभी भूख लगेगी। फिलहाल के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो। क्रिश, बहुत भूख लगी है यार। मुझे भी भूख लगी है क्रिश। अभी कुछ करता हूँ। मैं बस अभी आया। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है।
हे, तुम्हें भूख लगी थी ना? फूड रेडी। ये कार में पड़ा हुआ था। अच्छा ये बताओ वो कहाँ है? मे बी ड्रेस कुछ ठीक नहीं था, उसे ही चेंज कर रही हूँ। ओके चलो। अच्छा हाँ क्रिश, थोड़ी देर पहले कार रुकी थी, तुम किसी को बुला रहे थे, क्या हुआ? अच्छा वो, उससे मैंने एड्रेस पूछा था, यहाँ पर फेफ 14 हाउस कहाँ है। वैसे यहाँ के लोग फेफ 14 हाउस का नाम सुनते ही शौक हो जाते हैं। बट एड्रेस तो बता ही दिया, लेकिन उसका चेहरा देखने लायक था। ओके, ये खाके मेरा पेट भर गया है, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। मेरा भी पेट भर गया, चलो सो जाते हैं। या कम। ओके ओके। लोकेशन जितना अच्छा था, दिल में घबराहट भी उतनी ही थी, और घबराहट के चलते डर था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। लेकिन जो करने आया था वो तो करना ही था। ये किसके ख्याल में खोई है? hey, कहीं मरने का इरादा तो नहीं? आओ। तुम यहाँ अकेली बैठे बैठे क्या कर रही थी? आ जाओ। कुछ नहीं, लोकेशन देख रही थी। लोकेशन तुम्हें इतना पसंद आया? बहुत अच्छा है, मन करता है कि इस समंदर को बस देखती रहूं। हो गया हो तो अब नीचे चलें। ओके चलो आ जाओ।
यहाँ क्या हो रहा है? दीवारों पे 14 फेब लिखा हुआ है और ऊपर से कटा हुआ भी है। आई थिंक कुछ पागल लवर्स से ही ऐसी बेवकूफी की होगी और क्या। यही कारण है या फिर कुछ और बात है? डोंट वरी ईशा, इस बंगले का नाम फेब 14 है ना, सो इसलिए ऐसा लिखा होगा और कुछ नहीं। तुम परेशान मत हो, इस बंगले में और कोई बात नहीं है। शायद हवा से गिर गया होगा। हाय बेब्स, मैं खाना लेकर आया हूं। अब तुम्हें क्या हो गया, भूख लगी है ना? कम ऑन, टेक इट। हेलो, हैव इट। वक्त बीतता जा रहा है पर कुछ हो नहीं रहा। क्या सोच रहा है? वही सोच रहा हूं जो तुम सोच रही हो। तक रहना है? मेरा काम खत्म होने तक। ठीक है, तो ये काम कब खत्म होगा? जस्ट कुछ दिन और।
लेकिन सुनो, आई एम अ डायरेक्टर, मूड सही रहा तो काम जल्दी होगा, मूड सही नहीं रहा तो कुछ कह नहीं सकते। मुझसे तुम नाराज हो गई क्या? देखो, तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, यहां मैं अपना काम करने आया हूं जो बहुत जरूरी है। मैं एक फिल्म बना रहा हूं, तुम दूसरी मत बनाओ। आखिर कहां मर गया वो? और कितनी देर वेट करना पड़ेगा? लगता है आ गया। गपशप करने का मन किया, इसीलिए अंदर आ गया। यू इडियट, जाओ बाहर निकलो, जाओ यहां से। कहां चला गया ये? जब किसी इंसान की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती है तो उसकी नींद उड़ जाती है। तुम्हारे साथ जब ऐसा होगा तब समझोगी। ऐसा लगता है मेरी खुशी से तुम्हें कोई लेना देना ही नहीं है। बंगले में कुछ है कुछ है ये सब सोचना छोड़कर तुम्हें तो बस मुझ पर ध्यान देना चाहिए ना यार। मुझे कोई और तरीका देखना होगा। किसी तरह से ये पानी पी ले तो आज मेरा काम जरूर बन जाएगा। यस, प्लीज पानी पी ले। Thank you.
अब सुबह तक नहीं उठेगी। यस सक्सेस। ऑलरेडी लेट हो चुका हूं, मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाय। फिर से आ गया इसे तो मैं। क्यों क्रिश, तुम्हें वक्त मिल गया मेरे लिए? सॉरी डार्लिंग, उसे सोने में थोड़ा लेट हो गया। अगर वो वापस जा गई तो चले जाओ। रुक जाओ प्लीज डार्लिंग। Are, are, are.
सनम मिलने दे सांसों से सांसे सोए रहे खोए रहे एक दूजे में दोनों बाहे ना रोक खुद को तू ना रोक मुझको तू होने दे ये प्यार की बारिश तू बादल आ रहा हूँ कब से तुम्हारा हूँ होने दे पूरी ये ख्वाहिश तू ये अधर चुम ले तू जन्नतों में घूम ले तू मैं तो बस तेरी ये कहाँ चले गए वो भी इतनी रात को मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है जबकि इतनी तेज हवा चल रही है यहाँ आखिर हो क्या रहा है जा रही हो रुको ना सुनो तो ओ, जिस चीज का इंतजार था आखिरकार वो आज पूरा हो ही गया अच्छा बता तुम अपनी बीवी से खुश नहीं हो क्या बिल्कुल नहीं मेरी इच्छाएं मेरी ख्वाहिश उसे समझ में ही नहीं आती पर तुम सब समझ लेती हो बहुत सुनी है मैंने ऐसी बातें मैं सच कह रहा हूँ मैंने उसके साथ भी वक्त बिताया है पर उसमें तुम जैसा मजा कल मेरे साथ भी ऐसे ही करोगे नो नो डार्लिंग तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा आई लव यू डार्लिंग मां 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 नहीं छोड़ूंगे नहीं छोड़ूंगे मां Mm-hmm.
कौन? माँ। ईशा, कहाँ हो तुम? माँ, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। 3 दिन हो गए हैं, कहाँ हो तुम? माँ, तुम रिटर्न कब आ रही हो? मैं रिटर्न नहीं आने वाली माँ। ईशा, आर यू ओके? समझ गई। क्या बात है? वो हमारी बेटी। मेरी बात सुनो। हाँ? हमारे समय में जो स्थितियां थी, संस्कार थे, जो माहौल था, आज वो सब कुछ बदल चुका है। पहले जैसा कुछ नहीं रहा। आज का जेनरेशन ऐसे ही सोचता है, प्यार के खातिर घर छोड़ देते हैं, फिर गलती का एहसास होने पर वापस आ जाते हैं। अब उनके बारे में सोचकर हमारे परेशान होने का कोई मतलब नहीं है। जो कोई प्यार में पड़ता है उन्हें इन सब चीजों का सामना करना ही पड़ता है, कुछ नहीं किया जा सकता। रो मत, अपनी बेटी है, वो अपना ख्याल रख सकती है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। उस वक्त मेरे मन में एक बात चल रही थी कि शिल्पा से ही मुझे खुशी मिल सकती है। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ, मेरी होने वाली बीवी को सब कुछ पता चल गया। कहाँ गए थे क्रेश? तुम्हीं से पूछ रही हूँ, तुम कहाँ से आ रहे हो? इस तरह घूर क्या रहे हो? जवाब दो। नहीं, कहीं नहीं गया था, बाहर ही टहल रहा था। लेकिन तुम इतनी जल्दी उड़ गई? ताकि तुम किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो वो देख सकूं। What do you mean? ये क्या क्या कह रही हो तुम? रुको! डोंट टच मी, मेरे साथ वो गंदी हरकतें मत करना। ये तुम क्या कह रही हो? तुम पागल हो गई हो? आर यू मैड? यस, आई एम मैड। जाओ थोड़ा आराम कर लो, बाद में बात करते हैं। कोई बातचीत नहीं करनी है। तुम मुझे यहाँ से कब भेज रहे हो ये बताओ। अरे बाबा काम होने दो, सब साथ में ही निकल जाएंगे। काम तो हो गया ना, तुम और तुम्हारी और शिल्पा, देखा मैंने बहुत अच्छे से देखा। तुमसे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी।
तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो, मुझ पर शक कर रही हो। यस, मैंने अय्याशी की है उसी के साथ। तुम कौन होती हो पूछने वाली? जो मर्जी वो करूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुझे मारते हो? जान से मार दूंगा, रहना है तो रहो वरना यहां से चली जाओ। नाटक नहीं चाहिए। I will not change. छे! ये क्या कर रहे हो क्रिश? थोड़ी सी मालिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से कर रहे हो ना? What do you mean? इसकी वजह से तुम मुझसे दूर हो गए हो क्रिश? हे, ये क्या कह रही हो? इससे तुम्हें हे क्या कर रही हो? तेरी तकलीफ क्या है? तेरी बीवी तुझे काफी नहीं? जो मेरे साथ हुआ है वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। मरोगे, सब मरोगे। उस वक्त उसका बदलाव देखकर मैं समझ गया, जो मैं चाहता था वही मेरी जान पर बन गई, पर कोई रास्ता तो निकालना ही था। असल में यहां हो क्या रहा है? हर कोई अलग अलग बर्ताव कर रहा है। अब यह आवाज कैसी आ रही है? हे, कौन है यहां? कहां से आ रही है यह आवाज? कौन हो सकता है? मा 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 मा
गलत हो रहा है। मैं नहीं छोड़ूंगे, मैं नहीं छोड़ूंगे। गलत हो रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगी। गलत हो रहा है, गलत। गलत हो रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। कुछ नहीं है लेकिन कुछ तो है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ? गलत हो रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। गलत हो रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगी। गलत हो रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। गलत हो रहा है, मैं नहीं छोड़ूंगी। यहाँ कोई भूत भूत है क्या? अरे देख क्या रहे हो, कुछ बोलो तो। इस बंगले में कोई भूत भूत रहता है? अरे कुछ बोलेगा यार, मुझे इतना टेंशन में देखने के बावजूद तू सिर्फ मेरी तरफ घूर रहा है। और ऊपर से ये बैकग्राउंड साउंड तो वो है छी। शिल्पा ठीक हो जाए तो यहां से तुरंत निकलते हैं। हाँ? ये नंबर किसका है? सरला डॉक्टर। ओके, डॉक्टर का नंबर है, पहले इस नंबर पर डायल करना चाहिए। शिल्पा ठीक हो जाए तो जल्द से जल्द निकलते हैं, ये बंगला बहुत खतरनाक है। हेलो डॉक्टर सर। हाँ बोल रहा हूँ। मेरी एक फ्रेंड है। हाँ। उसकी तबीयत बहुत खराब है। हाँ। प्लीज आप जरा जल्दी आ जाएंगे? आप कहाँ से बोल रहे हो? कौन मैं? फिफ्थ 14th हाउस से। क्या कहा? फ़रवरी 14th हाउस से आ रहा हूँ। कमिंग। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। समझ नहीं आ रहा ये परेशानी कब खत्म होगी। रात होने से पहले उन्हें आना चाहिए, बहुत देर हो रही है। चलो आ गए। हाँ हम पहुंच गए, बस यहीं पर रोक लो। ठीक है डॉक्टर साहब, चलो पहुंच गए। स्टैंड लगा देता हूं। इस बंगले पर हम लोग क्यों आए हैं? हेलो डॉक्टर सर, मैंने ही आपको फोन किया था। हाँ, सर।
नमस्ते। तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है? मेरी फ्रेंड अंदर है सर, अंदर चलिए मैं उससे आपको मिलवाता हूँ। उसे आखिर हुआ क्या है? वो सीढ़ियों से गिर गई सर। हाँ। एक बार देख लीजिए ना सर, चलिए। हाँ ठीक है चलो। इस बंगले को देखकर मेरी हवा टाइट हो रही है। At present, she is out of danger. Thank God. Please come outside. Yes, doctor. ये बताओ तुम लोग इस बंगले में आए क्यों? लोकेशन देखने के लिए। मतलब तुम डायरेक्टर हो? तुम जैसे डायरेक्टर को इस भूतिया बंगला से अच्छा बंगला नहीं मिला? हा? अरे भाई मेरे कहने का मतलब है, अगर तुम्हें कोई फिल्म बनानी ही है तो कोई अच्छी सी फिल्म बनाओ। ये इस तरह के हॉरर फिल्में बनाने का कोई मतलब है क्या? मतलब इस बंगले में कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम बंगला नहीं है, प्यार है। ये फेब्रुअरी 14th हाउस है, इसका दूसरा नाम है ब्रीद हाउस। इस बंगले में बहुत पहले दो लोग रहते थे, दोनों प्यार करने वालों ने शादी की और फिर इस बंगले में रहने लगे। हुआ ये कि इन दोनों की शादी फेब्रुअरी 14 को हुई थी। शादी के पहले उन दोनों में जितना प्यार था, शादी के बाद भी दोनों में उतना ही प्यार रहा। बहुत जल्द ही उनके घर में एक खुशखबरी आई। पत्नी के मां बनने की खुशी में पति बहुत ही खुश था। लेकिन कुछ दिनों के बाद पति के लिए उसकी पत्नी की खूबसूरती, खुशियां और जो वो प्यार अपने पति को देती है वही उसके प्यार का कारण होता है, और इनमें से यदि कुछ भी कम हो जाए तो वो बदल जाता है। इन दोनों के बीच में भी ऐसा ही कुछ हुआ। अलग ही कशिश है इसमें। आ, आ, आ,
सुनिए तो, ए, जी मालिक, अब तक पहुंच के नहीं हुआ? ला चाबी दे। सुबह से पहुंच रहा है ना? ये लीजिए मालिक। देख। सुन, ए, जरा इधर आ। कौन है ये? बुला रहा हूँ ना, इधर आ। पिए हुए हैं, आजा, आजा। देखते हैं। चल बैठ जा, अबे बैठना। पिएगा क्या? नहीं भाई, मैं नहीं पीता। हम लोग ये सब नहीं पीते हैं। मुझसे झूठ बोल रहा है? हाँ वो। नाटक मत कर, चल पे। ये कभी कभी पीता है भाई। ये भी कभी कभी पी लेता है। अच्छा, मुझसे छुपा रहे थे। क्या हुआ, आप यहाँ अकेले बैठ के क्यों पी रहे हो? गुमसुम नहीं भाई, बहुत दुखी हूँ। क्या दुख है भाई? शादी हो गई तेरी? अभी नहीं हुई है। अभी नहीं हुई इसकी। बच्चे हैं क्या? बिना शादी के बच्चे कैसे हैं? आप अपनी कहानी बताओ ना। ओके, बिना घुमाए फिराए स्ट्रेट बताता हूँ। हो गई है मेरी शादी, हो गई है। बहुत खूबसूरत है मेरी बीवी भी। उसके बाद तो आपकी लाइफ ही बदल गई होगी एकदम। तुझे इसके बारे में क्या बताऊँ? शादी के बाद लाइफ मस्त हो गया, मस्त हो गया। क्यों रे, मैं दुखी हूँ और तू गाना गा रहा है? मेरी जब शादी हुई थी मैं खुश था, मुझे जो चाहिए था सब मिला, सब कुछ। पर अब नहीं, वो माँ बनने वाली है। मेरी खुशियों पर किसी ने नजर लगा दी। जानते हो, मेरा मन, मेरा उसे छूने का मन करता है पर छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाप बनने वाला हूं। परेशान हूं यार। बेचारा परेशान है। हाँ यार,
एक बात बताऊं, उसे अपनी बीवी का प्यार नहीं मिल रहा है इसीलिए इतना परेशान है। ये जरूर धोखा देगा। कुछ भी बोल रहा है तो देख लेना। जिंदगी इन लहरों की तरह हो गई है। मेरी जिंदगी में एक और जिंदगी बसी है जो मेरी जिंदगी बदल देगी। उस जीवन को संभालने के लिए वो भगवान ही सहायता करेंगे। मेरा होने वाला बच्चा मुझे एक नई जिंदगी देगा। पता नहीं मालकिन का दुख कब दूर होगा। मालिक भी बेचारे दुखी हैं। Mm.
इधर आ रहा है। मालिक कौन है ये? अरे बाप रे। डार्लिंग। मालिक 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 चल मालिक 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 ये मेरा महल, यहाँ जितने दिन चाह रह सकती है। बहुत अच्छा, ये भगवान मुझे बहुत पसंद है। मालिक अरे आओ ना आओ। मालिक 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 अरे बाप रे। मालिक मालिक ये क्या किया? मालिक 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 ये क्या किया? डार्लिंग मैं कब से इंतजार कर रहा था इस रात का। इस तरफ है मेरा बेडरूम। आ जाओ। लगता है बहुत पैसे वाला है। चलो देखते हैं। आओ ना। कैसा लगा? अच्छा लगा? डार्लिंग और कितना ऊपर चलना है? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। मुझसे भी और इंतजार नहीं होता। आजा आजा बैठ जा। इधर आना जरा। साहब आ गए क्या? कहाँ है? क्या हुआ? बस भी करो। कितनी करते हो? ये किसके हंसने की आवाज आ रही है? मालकिन 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 मत जाइए, रुक जाइए रुक जाइए। मालकिन मालकिन मत जाइए। हे भगवान। क्या आज तो बस कुछ भी हो, बस मैं अपने सारे अरमान पूरे कर लूंगा। चले हाथ क्यों छुड़ा रही हो तुम से? नहीं देखो ना, सुनो ना, नहीं बिल्कुल थोड़ा नजदीक आ जाना, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। सच में छोड़ो, रहने दो। तुम्हें पता है तुम्हें पता है मैं कितनी रातों से तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए? नहीं बिल्कुल नहीं। इतना तो बस याद रखना कि आज तो मेरे हाथों से नहीं बचेगी। और तुम्हें पता है मैं अपनी बीवी से इतना परेशान हो गया हूँ ना, मैं उसे इस घर से भगा दूंगा। सच बोल रहा हूँ, बहुत तड़पाया है उसने मुझे। तुम इस घर में रहोगी मेरी रानी बनके। आज तुमने मेरे अरमान पूरे किए हैं डार्लिंग। बस कब सुबह होने दो, मैं इस घर की रानी बनाऊंगा। कितनी खुशी दी, कितना प्यार दिया, लेकिन उसे मैं नहीं चाहिए। मेरे अरमानों की उसे कोई चिंता नहीं, उसे तो बच्चा चाहिए, बच्चा बच्चा जाके घूम रही है। और मैं बता तड़पता रहता हूँ दिन रात, उसे कोई चिंता नहीं है मेरी। क्या करूँगा ऐसी बीवी को अपने घर में रख के? नहीं Mm.
क्यों जी, ये सब क्या है? ये औरत कौन है? कौन ये? मेरी खुशी है, कोई तकलीफ? जी, ये एक बाजारू औरत है, आप चलिए मेरे साथ। कह नहीं आ रहा, बाजारू ही तो क्या हुआ, कम से कम खुशी तो देती है। हट। माँ, मुझसे कोई गलती हुई है क्या जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? तुम और तुम्हारा बच्चा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। सुनो, इसे जो बोलना है बोलने दो, तुम अंदर चलो ना। सुन, तू होती कौन है मैं और मेरे पति के बीच आने वाली? तुझे तो मैं बताती हूँ। सुनना चाहती है? तेरे साथ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी और इस औरत के साथ मैं खुश हूँ, मुझे यही चाहिए। तुम अंदर जाओ, मैं आता हूं। मर जा। था कृष, शिल्पा वो बेचारी तो ऐसे ही तड़पते तड़पते मर गई।
पर उसकी सांसें, आई मीन ब्रेथ, बच्चे के रूप में अभी भी जिंदा है। चलिए अब। तो फिर अभी शिल्पा की हालत कैसी है सर? 2 दिन में अमावस्या आने वाला है और उसके बाद शी विल बी नो मोर। मतलब वो बच्चा इसकी मौत की वजह बनेगा, बिकॉज जो उसके माँ बाप के बीच में हुआ था, उसकी माँ ने जो दर्द सहा, फिर उसकी मौत हुई, अपनी माँ की आखिरी सांसें इतनी आसानी से नहीं भूलने वाली है वो। मैं सब कुछ समझ गई डॉक्टर साहब। अपनी माँ के साथ हुआ धोखा, बाप ने की हुई बेवफाई, इस बच्चे ने सब सहा है। ईशा, I'm so sorry, ईशा। I'm so sorry, ईशा। Sorry, क्रिश। तुम्हें धोखा देना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे माफ कर दो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग खराब हो गया मेरा तो। इससे पूछकर देखता हूँ, शायद इसे बताओ। हेलो, मुझे एक बात बताओ, पहले कह रहे थे बच्चा मर गया है, अब कह रहे हैं बच्चा जिंदा है। जवाब दो ना। ए भाई, कुछ पूछ रहा हूं ना। बच्चवा मर गई बा, ऐसन कहत रहलन, अब कहत रहलन के जिंदा बा, कैसे काहे? तुम्हें क्या भोजपुरी भी नहीं आती है क्या? गेटअप देख के तो ऐसा ही लगा। हेलो, ऑल सेइंग दैट बेबी इज डेड, नाउ हाउ अलाइव? यू डोंट नो इंग्लिश आल्सो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं छोड़ूंगी। जो हो चुका था उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। आगे जो कुछ भी होने वाला था उसे मैंने जरूर बदला। हमारे पास अब जो 1 दिन बाकी है उसमें हमें शिल्पा को बहुत ध्यान पूर्वक ऑब्जर्व करना होगा। ये सब जानबूझकर नहीं, मंत्र विद्या से नहीं, तंत्र विद्या से नहीं, ये डर जो है वो दुख की वजह से है। क्या इसका कोई भी समाधान नहीं हो सकता? बहुत मुश्किल है, ऐसे मामलों में कुछ भी करना मुश्किल होता है। ये हमारे वश में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में, इसलिए संभल के। सुनो, हमारे पास एक रास्ता है। वो क्या है क्रिश? वो क्या है? हाउ? सर मुझे एक बात बताइए,
एक आदमी बिना सांस लिए कितनी देर तक रह सकता है? I mean, 1 minute, 2 minutes या 5 minutes? I think 2 or 3 minutes, पर ये बहुत rarely होता है, जान भी जा सकती है भाई। मेरी पल्स देखिए सर, मैं कितनी देर तक अपनी सांसें रोक सकता हूँ? 1 minute 30 seconds, I think। बच्चे की सांसें? नहीं बता सकता, she is out of focus, so no time। ओके। Why किरण? कुछ नहीं, मुझे जितना पता है जहां पर भी हमारी सांसें तेज होती हैं वो वहां होती है। Am I right? हाँ, yes। So, उस समय हम अपनी सांसें रोके। Are you mad? मर जाओगे तुम, समझे? मर जाओगे। नो नो, आई एम गोइंग। डॉक्टर, प्लीज, हमें समस्याओं से कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए, और मैं भी इसका सामना करूंगा, अपनी पत्नी के साथ और साथ ही अपनी दोस्त के साथ भी। मैंने विश्वासघात किया है और इसके लिए प्रायश्चित करूंगा। तुम पागल हो गए हो? तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? सोचो किरण। रहने दो कृष, मैंने यहाँ पर ईशा को, तुम्हें, खुद को धोखा दिया है, मुझे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अब मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, जब ईश्वर मुझे अगला जन्म दे तो मैं इस गलती को सुधार सकूं। मुझे जाने दो कृष, मेरी किस्मत में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, उसे तुम बदल नहीं सकते कृष। नो, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। लड़की की गलती का कारण मर्द होते हैं, मर्द की गलती का कारण औरत नहीं होती। उस गलती को मैं आज सुधारूंगा। मतलब तुम कह रहे हो कि अपनी सांसों से बच्ची की सांसें बंद कर दूंगा? जीसस, नहीं हुआ तो तुम मर जाओगे। परवाह नहीं है सर, मुझे अपने प्यार पर पूरा विश्वास है। जब तक इसका प्यार मेरे साथ है मुझे कुछ भी नहीं होगा और मैं कामयाब होऊंगा। ओके, ऑल द बेस्ट। Thank बस you, और 3 घंटे में रात होने वाली है। योर लाइफ इज इन योर ब्रेथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जीसस। Mom!
संभल कर क्रिश, क्रिश संभल कर क्रिश। तुम पीछे हटो, पीछे हटो तुम, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो, क्रिश। सर, डू समथिंग। क्रिश, क्रिश, क्रिश। ठीक है, ठीक है, ठीक हो ना? सांस लो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शॉट हो गए। बेटी, 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 बेटी।